नमस्कार। क्रूड की कीमतें चाहे अर्श पर हों चाहे फिर फर्श पर, लेकिन इसकी कीमतों में लगी आग की चिंगारी में आखिरकार झुलसना आम जनता को ही पड़ता है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड की कीमतें गिर चुकी हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें जस की तस शिखर पर बरकरार हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें 15 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। यानी साफ है, आम जनता से राहत अभी कोसों दूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये मुनाफा किस तक पहुंच रहा है और ये जनता तक पहुंचान क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल जून 2010 तक पेट्रोल की कीमतें सरकार तय करती थी, लेकिन जून 2010 के बाद ये जिम्मा ऑयल कंपनीज को सौंप दिया गया और पेट्रोल की कीमतें तेल कंपनियां तय करने लगी। तो अब अगर ऐसा है तो इसके पीछे सरकार की चुप्पी की वजह क्या है और सरकार इसमें दखल क्यों नहीं देती? क्या पेट्रोल पंप पर लगे तेजी से चलने वाले मीटर सरकारों के लिए एक तरह से मुनाफे का सवाल बन चुके हैं, जिनका जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों का पूरा गणित भी समझेंगे, डिकोड करेंगे कि आखिर ये जो डायनेमिक प्राइसिंग का पूरा गणित है ये है क्या। लेकिन सबसे पहले सीधा चलते अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास, जिन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम जनता से उनकी राय जानी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो 15 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन अगर आप भारत की बात करें, रिटेल प्राइसेस की बात करें, तो अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी कटौती नहीं की गई है। इस वक्त अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें, प्राइसेस पर नजर डालें, जो क्रूड ऑयल की कीमत है मार्च महीने में करीब $73 पर बैरल के लेवल पर पहुंच गई है, लेकिन अभी भी जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उसमें कोई भी कमी नहीं की गई है, आम कंज्यूमर को राहत नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब समय आ गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करनी चाहिए, क्या सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। कुछ समय पहले पेट्रोलियम मंत्री इस बात की जानकारी दे रहे थे और वो कह रहे थे कि पिछले दो क्वार्टर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करीब 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अभी भी घाटे की पूरी तरीके से भरपाई नहीं हो पाई है, लिहाजा इस बात की संभावना कम नजर आ रही है कि जल्द ही आम कंज्यूमर को कोई राहत मिलेगी। जहां तक रिटेल प्राइसेस का सवाल है, अगर आप उस पर नजर डालें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल पर इस वक्त किसी तरह का कोई घाटा नहीं हो रहा है, कोई अंडर रिकवरी नहीं है, एलपीजी पे कोई अंडर रिकवरी नहीं है, लेकिन डीजल पे अभी करीब 6 से 7 रुपए का अंडर रिकवरी है और उन्होंने सरकार से घाटे की भरपाई की गुहार भी लगाई है। सवाल उठता है कि क्या अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को क्रूड की कीमतों में जो कमी हुई है उसका फायदा अब कंज्यूमर को देना चाहिए, क्या लोगों को अब राहत देने का वक्त आ गया है। हम इसी को समझने के लिए, लोगों की राय जानने के लिए इस वक्त दिल्ली में एक पेट्रोल पंप पे हैं और लोगों से ही पूछते हैं कि लंबे समय से जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो मजबूती बनी हुई है, तेजी बनी हुई है और एक लेवल पे बनी हुई है, उससे उनका जो बजट है कितना बिगड़ रहा है और क्या वो अब उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और तुरंत ही बढ़ी हुई कीमतों से राहत मिले। आइए। सर, तनख्वाह कट गई हमारी तो, आधी सैलरी कट गई मम्मी पापा की, कुछ मिला ही नहीं उनको बजट के हिसाब से, बजट बहुत ज्यादा कट गया आपकी बात। महंगा पेट्रोल हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया बहुत। पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए, जो पहले वैट बढ़ाया उसे कम करें और मोदी जी भी कुछ राहत दें तो अच्छी बात होगी, क्योंकि अब इंटरनेशनल प्राइस जो है लो हो रहा है लेकिन यहाँ का प्राइस बराबर चल रहा है 4-5 महीने से। पीछे जो कच्चा तेल का दाम कम हो जाता है लेकिन ये रेट घटाते नहीं है। आप देख लीजिए पहले क्या भाव था, जब 160 रुपए या पता नहीं कितना रुपए बैरल था इंटरनेशनल मार्केट में, तो भी तेल 55-56 रुपए मिल रहा था और आज 100 रुपए मिल रहा है, जबकि मार्केट वहाँ रेट 60 रुपए है। आप जैसे बता रहे 60-65 रुपए प्रति बैरल डॉलर, तो यहाँ तो गिरने चाहिए रेट, आधे रेट होने चाहिए बल्कि। तो आप देख सकते हैं कि जनता बार बार यही सवाल पूछ रही है कि आखिर ये जो राहत है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम कम हो रहे हैं, ये राहत उन तक क्यों नहीं पहुंच रही और इसमें देरी क्यों हो रही है। चलिए अब अपने सहयोगी सौमित्र सरकार से समझ लेते हैं कि तेल का पूरा खेल दरअसल है क्या।
ब्रेंड क्रूड के अगर प्राइसेस में आप देखेंगे तो अपने पीक से लेकर भारी गिरावट देखने को मिली। अब इसके पीछे तो मल्टीपल ग्लोबल फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें ये ड्रॉप देखने को मिला है, बट इस ड्रॉप का एक डायरेक्ट फ़ायदा होना चाहिए था आम आदमी को, क्योंकि अगर ब्रेंड क्रूड के प्राइसेस गिर जाते हैं तो उसी के साथ जो रिटेल फ्यूल है जैसे कि पेट्रोल और डीजल, इसके प्राइसेस भी कम होने चाहिए थे, बट अब तक कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल के प्राइसेस दिल्ली में जो लास्ट चेंज हुए थे वो अप्रैल 7 से हुए थे, अप्रैल 7 से लेके अब तक कोई भी चेंज हमें पेट्रोल प्राइसेस में नहीं दिखे थे, सिवाय के मई 23 में जब एक एक्साइज ड्यूटी कट किया गया था उसका ही एक ड्रॉप देखने को मिला था। उसके अलावा अब तक पेट्रोल के प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला है। सिमिलरली डीजल के प्राइसेस भी अप्रैल 8 से लेके अब तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ मई 23 का जो एक्साइज ड्यूटी का एडजस्टमेंट था सिर्फ उतना ही चेंज देखने मिला है। और उसी टाइम पीरियड में अगर आप ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में देखेंगे तो अप्रैल 7 को ब्रेंट क्रूड करीब 101 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज का जो भाव है वो करीब 28% नीचे है। और इस टाइम पीरियड में जो ब्रेंट क्रूड के पीक प्राइसेस थे वो करीब 124 डॉलर के थे, और आज के करंट प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो 41% लोअर है। तो भले ही ब्रेंट क्रूड अपने पीक से काफ़ी गिर चुका है, बट रिटेल फ्यूल प्राइसेस क्यों नहीं गिरे हैं ये समझते हैं। अब एक आइडियल सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंडिया में अनरेगुलेटेड है। इसका मतलब ये है कि एवरी डे जैसे ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस चेंज होते हैं या इंडियन करेंसी का जो चेंजेस होता है डॉलर के सामने, उसके सामने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी एडजस्ट होने चाहिए, बट ये क्यों चेंजेस नहीं हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 मतलब Q1 FY23 और Q2 FY23 September 30, 2022 तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में ऑयल के प्राइसेस काफ़ी हायर थे और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे थे, और इसके कारण अगर आप देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को काफ़ी हैवी लॉसेस बेयर करनी पड़ी थी। इनफैक्ट करीब 27,000 करोड़ का लॉसेस फर्स्ट हाफ में ऑयल PSUs जो थे उन्होंने इनकर किए थी। अब अगर आप ये चार्ट देखेंगे जहाँ पे ये जो मार्केटिंग मार्जिन है जो कि एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी पेट्रोल और डीजल बेच के कमाती है, ये इससे अगर आप देखेंगे तो Q1 में एक लीटर डीजल बेचने पे किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को 33 रुपीस का लॉस हो रहा था, और पेट्रोल बेचने पे करीब 7 रुपए का लॉस ये हो रहा था। ये क्यों लॉसेस हो रहे थे? क्योंकि उस समय क्रूड के प्राइसेस जो कि एक मेजर रॉ मटेरियल है पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए, उसके प्राइसेस काफ़ी हायर थे, बट रिटेल फ्यूल प्राइसेस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे थे। इस कारण इतना भारी लॉस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो रहा था, और इसी कारण उन्होंने फर्स्ट हाफ में करीब 27,000 करोड़ के लॉसेस बुक किए थे। अब इन लॉसेस को रिकवर करने के लिए ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिटेल फ्यूल प्राइसेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, भले ही ब्रेंट क्रूड जो कि एक मेजर रॉ मटेरियल है उसमें एक भारी गिरावट देखने को मिली है। हमने काफ़ी सारे एनालिस्ट से भी बात किया, उससे हमें ये पता चल रहा है कि आज के टाइम पर अगर आप स्पॉट प्राइसेस देखेंगे तो क्रूड के सामने रिटेल फ्यूल प्राइसेस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो उस पर आज के टाइम पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी डीजल बेच के करीब 4 रुपया कमा रही है और पेट्रोल बेच के करीब 9 रुपया कमा रही है, बट अभी भी उन्होंने पूरे जो लॉसेस इनकर किए थे फर्स्ट हाफ में वो रिकवर नहीं किए, और यही मेन रीज़न है कि क्यों हमें पेट्रोल और डीजल में डीजल के प्राइसेस में अभी तक चेंज नहीं देखने को मिल रहा। तो हमने आपके सामने एक पूरी तस्वीर, एक पूरी पिक्चर पेश की कि आखिर किस तरह से लगातार ये सवाल बना हुआ है कि आखिर क्यों आम जनता तक राहत नहीं पहुंच रही है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें हैं वो लगातार घटती हुई जा रही हैं। और इस पर खास चर्चा के लिए, हर पहलू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक विशेष पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करा दें, हमारे साथ बिजॉन मिश्रा साहब हैं जो कि इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। बिजॉन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ किरीट पारेख सर हैं जो कि ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत किरीट सर आपका। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राजेश सर भी मौजूद हैं। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और एक आम कंज्यूमर के नज़रिए से मैं समझना चाहूँगा आपसे कि जब क्रूड की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर थी तब एक कंज्यूमर पर दबाव समझ में आता था, लेकिन एक व्यक्ति जब देखता है कि लगातार कीमतें घट रही हैं फिर भी उसकी जेब पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, उल्टा एक तरह का जो भाव है वो स्थिरता ही नजर आ रही है, कैसे समझें ये पूरा गणित है क्या? देखिए, इसके लिए आपको प्राइस बिल्डअप जो है पेट्रोल और डीजल का वो समझना होगा। आज भी अगर $73 की हम बात करें तो उस पर 16 मार्च का जो इंडियन ऑयल जो कि पेट्रोल बेचती है उसका दिल्ली के प्राइस के हिसाब से पेट्रोल
की जो कीमत है एक्चुअली में जो डीलर को दिया जाता है वो 57.36 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 58.17 रुपए प्रति लीटर है। इसके बाद इस पे करीब पेट्रोल पे 19.90 रुपए का एक्साइज ड्यूटी है, डीजल पे 15.80 रुपए का एक्साइज ड्यूटी है। उसी तरह वैट जो है वो 15.71 रुपए का पेट्रोल पे है और 13.11 रुपए का डीजल पे है। उसी और डीलर कमीशन जो है वो 3 से 4 रुपए के बीच में है पेट्रोल और डीजल दोनों पे। तो ये सारा अगर टैक्सेज को हटा दें, एक्साइज ड्यूटी को और वैट को, तो 60 से 62 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल की कीमत होनी चाहिए प्रति लीटर। लेकिन भारत में ये चली आ रही है बरसों से, सालों से, कि पेट्रोल और डीजल को एक टैक्स का एक आमदनी का जरिया माना जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो ये दोनों सरकारों जो एक्साइज ड्यूटी या वैट लेती हैं, इसके चलते पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए आम आदमी को ज़्यादा पे करना पड़ता है। आज तक 2016 में ही जीएसटी लाया गया और ये कहा गया कि आने वाले सालों में जीएसटी में ला दिया जाएगा पेट्रोल डीजल को, लेकिन कोई भी चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसे जीएसटी में नहीं लाना चाहती है और वो एक दूसरे पे ब्लेम करती रहती है। तो ये एक पॉलिटिक्स है जिसके चलते आम आदमी सफर करता है और रोज चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगा के उसे एक कमाई का जरिया बना के रखी हुई है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात कि लगातार ये जो टैक्स के जरिए कमाई का जरिया है वो एक तरह से बोझ बनता जा रहा है आम कंज्यूमर पे और उसे किसी तरह की राहत जो है वो पास ऑन नहीं की जा रही है। बीच बीच में थोड़ी बहुत राहत मिलती है लेकिन एक बार फिर जो फ्लक्चुएशन है वो उस राहत को एक तरह से मामूली राहत बनाकर रख देता है। किरीट सर, क्या मजबूरियाँ हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार ये कहती है कि साहब कीमतें जो हैं वो उनके नियंत्रण में नहीं हैं और वो जो हैं ग्राहक की पीड़ा समझ रहे हैं, दूसरी ओर अगर हम तेल कंपनियों को देखें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, तो उनकी दलील घाटे की भरपाई की है। क्या चीज़ें, क्या फैक्टर हैं, आप तो बहुत करीब से इस पूरे विषय को देखते रहे हैं और इसके साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो कहा जाता है कि मार्जिन का दबाव है, टैक्सेस ऑन टैक्सेस की पीड़ा, एक्साइज की पीड़ा है, ये सारी चीज़ें हैं क्या? जो जब राजेश ने बताया कि देखो इसमें ज़्यादातर मार्केट प्राइस, जो कंज्यूमर प्राइस है, इसमें सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्सेस काफ़ी बड़ी तरह से होता है। सो एंड गवर्नमेंट बैलेंस और सेंटर और स्टेट दोनों का बजट में व्हाट दे गेट फ्रॉम ऑयल, ऑयल पर का जो कर डालते हैं इसकी काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो आई थिंक मैनी स्टेट्स आर रिलक्टेंट टू रिड्यूस देयर सेल्स टैक्स ऑन इट एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिलक्टेंट टू रिड्यूस इट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूस द एक्साइज, क्योंकि उनकी जो इनकम है, उनका जो बजट है, इसमें इसका काफी बड़ा योगदान होता है तेल का, तेल के पर का कैश की। और ये हमारे देश में ही नहीं, काफी देशों में तेल का टैक्स इट्स इजी टू कलेक्ट, आसानी से कलेक्ट कर दिया जाता है और हार्ड टू इवेड होता है। तो इसीलिए इसके पर ये टैक्स कई देशों में इसका वेरी ग्रेट इम्पोर्टेंस होती है सरकार की आय में इन। तो इसलिए एक बात ये हुई। दूसरी बात यह है कि जब पेट्रोल की और क्रूड ऑयल की कीमत ज्यादा थी तब कंज्यूमर को पूरा पास ऑन नहीं किया गया, तो देयर हैज बीन अ डेफिसिट, हुई सब घाटा पड़ा है तेल मार्केट कंपनी, तो कहीं ना कहीं तो इसको भरपाई करना ही चाहिए। सो आई थिंक कंज्यूमर्स शुड एटलीस्ट, गवर्नमेंट के पास एक्सपेक्टेशन ऐसा रखना चाहिए कि इसके सारा जो अकाउंट्स है, कितना घाटा किया है, कितना अभी भरपाई कर रहे हैं, कब तक ये चलेगा, ये कंज्यूमर्स को बता दे, तो कंज्यूमर्स को ऐसा नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट हमको राइट इज टेकिंग अस ऑन ए राइट। तो ऐसा बताया कि देखो कितनी प्राइस क्या थी, तब हमने क्या कंज्यूमर प्राइस रखा और अभी क्या कंज्यूमर प्राइस है, अभी क्या इस क्रूड की प्राइस है, ये सब अच्छी तरह से समझाया जाए लोगों को, तो मेरा ख्याल से इट वुड नॉट लुक टू बैड कि प्राइस सरकार घटा नहीं रही कीमत इसकी। तो मेरा ख्याल से ये जरूरी है,
लेकिन सरकार को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इसको जीएसटी में लाना चाहिए, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में अलग अलग टैक्स होता है, एंड इसके लिए ऑल्सो देर आर इश्यूज दैट कम अप। एंड आई थिंक इस ए जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है डीरेगुलेट हुई तो ठीक है, बट डीरेगुलेशन के साथ कभी कभी जब अंतर्राष्ट्रीय भाव में तेल की कीमत बहुत बढ़ जाती है तो सरकार पर दबाव आता है कि भी इसको कंट्रोल करो, एटलीस्ट गिव ए रीजनेबल प्राइस टू द कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स कांट हैव इट बोथ वेज, दोनों बाजू नहीं, क्योंकि जब गर्म कीमत बहुत बढ़ जाए तो हमको पूरा इसका पासन ना करो, अगर जो नीचे बच जाए तो हमको पूरा पासन करो, ये नहीं हो सकता है दोनों साइड। तो ऑन एन एवरेज एक साल में prices should be more or less equal to the consumer price should be equal to what the cost of procurement is, but from a long term point of view jo tax dependence hai sarkar ki kendra sarkar ki aur rajya sarkar ki wo petrol ka and diesel ki kya tax par isko control karne ki zarurat hai, you need to increase income tax bilkul but like any tax इनडायरेक्ट कम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही और बहुत सारी आपने इसमें एक तरह से रिकमेंडेशंस भी शामिल की। इस पर मैं जरा और विस्तार से आपसे बातचीत करूंगा। बिजॉन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सीधा सवाल, जो अभी स्थितियां हैं, जो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दरें देख रहे हैं, क्या आप ये महसूस करते हैं कि ये वक्त है कंज्यूमर तक उनको इस नरमी को पास ऑन करने का, चाहे तेल कंपनियां सरकार क्या मिलकर कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकती, कि क्योंकि एक पिक्चर तो दिख रही है, एक आम कंज्यूमर को तो ये समझ में आ रहा है कि नरमी है, लेकिन इस नरमी को उन पर इसका असर क्यों नहीं पड़ रहा है? प्रशांत जी, आखिरी में आने से ये फायदा है कि हमारे पैनल के जितने लोग हैं वो सारे चीज बता दिए हैं जो हम भी बताना चाह रहे थे, लेकिन जो छूट गया है उन लोग से वो दो तीन चीज हम याद दिलाना चाहेंगे। एक तो इस काम में पारदर्शिता लाना चाहिए, कोई रेगुलेटर नहीं है आज, आप ओपन मार्केट डज नॉट मीन कि आप कोई रेगुलेटर ना लाए। रेगुलेटर लाने से क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी आएगा। उसी जो कार्यक्रम आज आप कर रहे हो ईटी नाउ में, उससे कई आपके दर्शक और हमारे नागरिक उपभोक्ताओं को ये जानकारी हो पा रहा है कि किस ढंग से कीमत का एक तंत्र बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, और जो भी कंपनी व्यापार कर रहा है इसको लेकर वो तो नुकसान में व्यापार करेगा नहीं, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी प्राइसिंग पे होनी चाहिए जिससे आम जनता को भी पता लगे कि आप कितने टैक्स दे रहे हो इस प्रोडक्ट पे, कितने इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, कितना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, किस ढंग से कीमत तय हो रहा है और आप तक आ रहा है। ये नहीं है आज के दिन में हमारे देश में। भले हम लोग के एक रेगुलेटर है जो नेचुरल गैस अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी करके है, जो एलपीजी और डोमेस्टिक गैस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी होनी चाहिए एक रेगुलेटर। ये बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि हम ओपन मार्केट कहते हैं लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट ओपन। हम लोग तक वो पूरा आंकड़े नहीं आते हैं जो एक्चुअली पब्लिक होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, सरकार को भी टाइम टू टाइम बताना चाहिए ये टैक्स को लेकर वो किस जगह पे खर्चा कर रहा है। वो रोड बिल्डिंग पे खर्चा कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं, किस ढंग से कंज्यूमर को फायदे होंगे या सिटीजन्स को फायदे होंगे, ये भी टाइम टू टाइम सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि हम लोग सब एज उपभोक्ता हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग के कर के पैसे से सारा सरकार चलता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स से। और जब सरकार हम लोग चलाते हैं तो सरकार शुड बी एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स। तो इसलिए यहाँ पे एक विलंबता है कि लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाता है कि पेट्रोलियम प्राइसेस क्यों अक्सर बढ़ जाता है और क्यों स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे बहुत डिपेंड करते हैं।
जैसे टैक्स, जैसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होते रहता है, तो ऑयल कंपनीज जब खरीदते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विदेश से, तो नेचुरली जो भी करंट प्राइसेस, आई मीन करेंसी है, उसके हिसाब से उनको खरीदना पड़ता है, तो वो भी फर्क होते रहते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। फिर हम लोगों को ये भी समझना है कि ऑयल कंपनीज का भी जो रख रखाव चल, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उनका भी एक कॉस्ट है, लेकिन सरकार को यह समझना होगा स्टेट एंड सेंटर कि इन ऑर्डर टू चेक इन्फ्लेशन, इन ऑर्डर टू चेक डेफिशिएंसी फाइनेंसिंग, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कभी कभी कंज्यूमर को भी कुछ लाभ उनको देना चाहिए। यही बात हम लगातार उठा रहे हैं कि आखिर कंज्यूमर को, चाहे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं चाहे सरकार, वो क्यों उनके बारे में नहीं सोच रही। राजेश सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब हम तेल की महंगाई की बात करते हैं, अगर यहाँ नरमी आती है तो जाहिर सी बात है कि इनडायरेक्टली महंगाई में भी नरमी आएगी, आरबीआई को जो है वो अपना रुख बदलना होगा, और इन सब को चीज़ों को एक तरह की डिमांड में भी हम सर्ज देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। क्या इतना ज़्यादा सेंट्रिक हो जाना किसी एक पहलू पे इकॉनमी के मामले में ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ये दशकों से ऐसा होता आया है कि हमारी जो इकॉनमी है, चाहे वो केंद्र के राज्य की, काफ़ी हद तक क्रूड पे टैक्सेस पे निर्भर हो गई है। उसे बदलने की जरूरत है और सरकार कुछ नए कदम उठा रही है जिससे शायद वो बदलाव आए आने वाले दिनों में, जैसे कि हम क्रूड पे अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं, गैस बेस्ड इकोनॉमी पे हम मूव कर रहे हैं, पावर में इलेक्ट्रिसिटी पे मूव कर रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे गाड़ियाँ, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं और सरकार का ये प्लान है कि 2030 तक हम ज़्यादा लगभग आधी गाड़ियों को रोड पे चले वो अलग। तो जब तक हमारी क्रूड पे निर्भरता कम नहीं होगी तब तक ये कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि जिस हिसाब से हमारी क्रूड पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और जो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो हम अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो हम क्रूड ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने यूज़ का अगर 80% क्रूड हमें इंपोर्ट कर रहे हैं तो हर साल हमारा जो फॉरेक्स बिल है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, वो जब तक कंट्रोल नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। और जहाँ तक GST में लाने की बात है पेट्रोल और डीजल को, उस पर सरकार को जल्द से काम करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार की अपनी मजबूरियां हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। फिर जो लोगों को खुश करने की चीज़ है कि फ्री पावर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी राज्य सरकार बांटती है, यहाँ कंट्रोल करना होगा, सरकारों को अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना होगा तभी जाकर इन सभी चीज़ों पे। तो ये एक होलसम अप्रोच की ज़रूरत है, ये सिर्फ एक केंद्र या राज्य से करने से नहीं होगा, और इसके लिए GST में इसको लाया जाए जल्द से जल्द, वो सबसे उपयुक्त सुझाव है। कुछ ब्रेव डिसीजंस लेने होंगे और हर स्टेक होल्डर जो इसमें है उसे कहीं ना कहीं कंज्यूमर फर्स्ट वाली जो एक सोच है उसको अमल में लाना होगा। कुछ चीज़ें अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाएं उसमें तो अगर जनता की भलाई होती है तो वो बेहतर होगी। और बार बार हम ये कह रहे हैं इकॉनमी को ड्रिवन करने के लिए लोगों की आवश्यकता है, लोगों के जेब में पैसा होना ज़रूरी है और वो इन सब छोटे छोटे बदलावों में बड़े बड़े जो रिफॉर्म हैं उनसे हो सकता है। किरीट सर, रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें, क्या मुख्य रिकमेंडेशंस आपकी होंगी सरकार को, इसका हल निकले कैसे? मेरा ख्याल से 3 चीज़ सरकार कर सकती है। एक तो आजकल तो इमीडिएटली कभी वाइल जो तेल कंपनियों का घाटा है उसको पूरा करने के लिए कीमत धीरे से कीमत को नीचे नहीं ला सकती है। लेकिन अभी दूसरा सवाल ये है कि हमारा एक्सपोर्ट इतना बढ़ नहीं रहा है, एक्सपोर्ट ग्रोथ है स्लोड डाउन, एंड क्रूड का इंपोर्ट हम कम करते हैं, क्रूड का एक्सपेंडिचर फॉर इंपोर्ट, तो इसका थोड़ा फायदा होता है इकोनॉमी को। दूसरी बात यह है कि ये पेट्रोल और डीजल का प्राइस कम करने से थोड़ा इन्फ्लेशन पर का दबाव भी कम होगा, तो मेरा ख्याल से फ्रॉम इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू देर इज सम आर्ग्यूमेंट कि अभी इसको कर दिया जाए। लेकिन वो जो मिश्रा जी ने कहा ये बात को से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आना बहुत जरूरी है, वही मैं यही कह रहा था
कि सरकारें सबको समझाए कि हम क्यों प्राइस इतनी ला रहे हैं। बट दूसरी बात यह है कि जो जीएसटी में जाना वुड बी वेरी गुड एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू बी रियली कैरीड अलोंग इन दिस टास्क एंड वो भी साथ साथ आए तभी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी सेंटर को इसमें आगेवानी लेनी चाहिए, उसको शुड टेक द लीडरशिप और कुछ करना चाहिए, स्टेट्स को पर्सुएट करना चाहिए। वाकई वक्त की जरूरत है, वक्त की दरकार यही है कि फिलहाल जो है वो आम जनता की बात सुनिए। समय कम है बिजान सर, और शो को मुझे यहीं ख़त्म करना होगा, लेकिन बहुत सी बातें इस चर्चा के ज़रिए हमारे सामने आई हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा के ज़रिए जो निचोड़ने हमारी कोशिश यही थी कि आपको आसान भाषा में बताएं कि आखिर पेट्रोल डीजल ये तेल का जो खेल है वो है क्या, और इसमें किस तरह की अभी जो रिकमेंडेशन है जो तुम्हारे तमाम मेहमानों ने रखी उनकी कितनी ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत कि वाकई एक ट्रांसपेरेंसी हो इन कीमतों को लेकर, और उसके साथ ही ये भी ध्यान दिया जाए कि इस पूरे जो फ़ायदे को अगर कंज्यूमर पे जल्द से जल्द पास ऑन किया जाए तो महंगाई भी घटेगी और इससे और ज़्यादा बेहतर माहौल बनेगा डिमांड में। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।